दोस्तों स्वागत है राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। अभी तक आपने अगर हमारी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें दोस्तों। दोस्तों राजस्थान में चुनावी साल है और इसके मद्देनज़र हर डिपार्टमेंट, चाहे वो चाहे पंचायती राज हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, हर कोई हड़ताल पर जा रहा है। जैसे कि पहले रोडवेज कर्मचारी, फिर बिजली विभाग के कर्मचारी, बाद में पंचायती राज के पीओ, विकास अधिकारी और ग्राम सेवक, इसके बाद में लेखाधिकारी भी 24 से हड़ताल पर जाने का मानस बना रहे हैं। इधर स्वास्थ्य विभाग के NMGNM वाले भी हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिए हैं। इस बीच एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि RS एसोसिएशन का एक बड़ा फैसला है। RS एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में अध्यक्ष पवन अरोड़ा की अध्यक्षता में हुई बैठक, RS के किसी भी पद में कोई कटौती स्वीकार नहीं होगी। यदि मांगे 7 दिन में नहीं मानी तो सामूहिक अवकाश पे जाएंगे RS। दोस्तों एक बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है कि RS भी अब हड़ताल पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। वसुंधरा सरकार किसी भी डिपार्टमेंट या शख्स की बातें में या मांगे नहीं मानने की वजह से हर डिपार्टमेंट और हर शख्स उनसे नाराज है। और यही मौका है कि जब आचार संहिता से लगने से पूर्व वो अपनी मांगे मनवा सकते हैं, तो हर कोई हड़ताल पे जा रहा है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसको लाइक और शेयर करना न भूलें, और पहली बार अगर हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, देखते हैं राजस्थान में बेरोजगार छात्र संघ।